कैसेटे सी है। अब आज हम लोग क्या सीखेंगे इसके अंदर, इसको खोलना, इसको सर्विस करना, और इसके अंदर कितना भी कंपोनेंट है, क्या है, कैसे यूज होता है, ये कैसे ओपन होता है, ठीक है, जिन सभी चीज के बारे में हम लोगों को आज इसमें सीखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसेट एसी जो हमारा होता है वो किधर लगा होता है, फॉल सेलिंग के अंदर लगा होता है। अब फॉल सेलिंग के अंदर ये कैसा लगा होता है, सामने में ये चीज किधर रहेगा, नीचे की तरफ थ्रो करेगा एयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर एयर जो है वो कहाँ से खींचता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ओपन एरिया है, ये जो हमारा ओपन एरिया है, एयर यहाँ से क्या करता है, खींचता है, और इधर साइड से जो क्या करता है, थ्रो करता है चारों तरफ। इसमें देखिए इधर इधर उधर चारों तरफ क्या है, स्विंग लगा हुआ है, चारों तरफ से क्या करेगा, ग्रिल से थ्रो करेगा। अब थ्रो करके ये ठंडा हवा देता है। अगर कंप्लेन आ गया या सर्विस करना है तो उसको हम कैसे खोलेंगे, कैसे इसमें वर्क करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। अब आप देखिएगा कि इसके ये जो कैसेट ऐसी है और कोई भी एसी हो हमारा, उसके अंदर सब में लॉक लगा होता है। क्या लगा होता है, लॉक लगा होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसा सामने में जो इसका ग्रिल होता है वो नीचे की तरफ में हैंग हुआ पड़ा रहता है। अगर इसमें अगर लॉक नहीं रहेगा, आपने स्क्रू को खोला और आप कहीं पर सीढ़ी पर खड़े हैं या कहीं ऐसे जगह खड़े हैं जहां पर गिरने का डर हो, थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस के ऊपर में अगर जाए, तो इसमें क्या है कि वो ग्रिल रहेगा, मैं उसमें लॉक लगा हुआ रहेगा, तो लॉक क्या करेगा, स्क्रू खोलने के बाद उसको गिरने नहीं देगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आराम आराम से उसको खोल करके नीचे रख सकते हैं, ठीक है। और अगर लॉक नहीं रहेगा और आप स्क्रू खोल दिए और वो आराम से गिर गया नीचे, तो गिरने में आपको भी चोट लग सकता है, मशीन भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ग्रिल है, ये जो सामने का ग्रिल लगा हुआ है, इसमें बहुत तरीके का लॉक आता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि देखिए इसमें जो है यहाँ पर लॉक दिया गया, ये लॉक दिया गया। अभी देखिए ये जो ऐसा लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग को समझे में नहीं आएगा कि यहाँ पर ग्रिल में लॉक कहाँ पर है, तो इस चीज को आप लोगों को देखना है ध्यान से कि लॉक कहाँ पर है। बहुत सारे में बटन रहता है, बटन प्रेस कीजिएगा तो ये अपने आप बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब निकलने के बाद इसको आप निकालिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं इसको लेकर के। तो ये जब आप पिन कीजिएगा उसके बाद ये आराम से इसको आप ये जब ऊपर में रहेगा ना, जैसे ही लॉक को खोलिएगा वो अपने नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए हम पहले बताए थे आपको कि इसके अंदर क्या लगा होता है, लॉक लगा होता है। देखिए यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, अगर ये गिर भी जाता है नीचे तो ये ऐसे क्या रहेगा, हैंग हो जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। अब नीचे नहीं गिरेगा तो ये लगेगा नहीं, टूटेगा नहीं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, ये क्या करता है, फिल्टर एयर को फिल्टर करता है, कॉइल के अंदर डस्ट हो या कोई भी पार्टिकल्स, उसको जाने से क्या करता है, रोकता है, समझ गए। चलिए इसको हटाते हैं। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जितना भी इसके अंदर वायरिंग जा रहा है मोटर के अंदर, इसके अंदर जो सेंसर लगा है या साइड में ये स्विंग मोटर है उसके लिए, या यहाँ देखिए एक डिस्प्ले दिया हुआ है उसके लिए, तो सब में क्या है, इसका लाइन यहीं से ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, अब इसको सर्विस करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कॉइल जो है वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर जो कॉइल है, तो अभी धीरे धीरे करके एक एक कंपोनेंट को हम हटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है, ये चारों कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में लॉक रहता है। ये देखिए इसको प्रेस कीजिएगा पीछे और उसके बाद आप इसको खोलिएगा, तो ये आराम से क्या हो गया, निकल जाएगा। उसी तरीके से किसी भी मशीन को ऐसे करके खींचना नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है कि आप लॉक कहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद ही उसमें काम करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये प्रेस कीजिएगा, खुल गया। उसी तरीके से सबको खोलना है आराम से, पीछे से उठाइए, ये खुल गया। अब देखिए इसके अंदर भी हम बताए थे आपको, जैसे कि फिल्टर के अंदर हमारा ग्रिल के ऊपर जो लॉक लगा हुआ था, उसी की तरह इसमें भी एक लॉक लगा हुआ रहता है, कि गलती से आपने स्क्रू खोला या लॉक खोला और वो नीचे गिरा तो वो क्या हो, इसमें हैंग हो जाए, ये नीचे नहीं गिरेगा, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसमें सब में हैंग करने के लिए लॉक दिया हुआ रहता है।
ये आपका जो है यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले है, इसमें आपका डिस्प्ले दिखाएगा मशीन ऑन है या नहीं है, ये बजर है, ये तीनों लाइट है, इसके अंदर स्विच भी है, अगर रिमोट से काम नहीं कर रहा तो स्विच से टेम्पोरली आप ऑन कर सकते हैं। ये जो है लाइट दिया हुआ है और इसी के अंदर जो डिस्प्ले है वो क्या करेगा आपका शो करेगा कि कुछ हिरर आया है या कोई प्रॉब्लम आया है तो उस चीज को वो वहां पर शो करेगा। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे, उससे पहले आप इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर सर्विस करना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बाहर निकालना है। बाहर नहीं निकालिएगा, अगर इसके अंदर पानी चला गया, जरा सा भी पानी चला गया तो आपके मशीन को क्या करेगा, खराब कर देगा। ये आप लाइन दीजिएगा, इसके अंदर पानी रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को खोलना है। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को खोलने से पहले आपको ध्यान देना है कि ये जितना भी वायर जो लगा हुआ है पीसीबी के अंदर, तो वो हम जैक से निकालेंगे और फिर हमको लगाने के टाइम में हमको ध्यान देना कि हम किस जैक से किसको हम कहां पर से निकाले थे और कौन सा वायर मेरा किधर से हो करके आया। इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान देना है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा और ये वायर इधर से जा रहा है, आपने इधर से घुमा के लगा दिया, तो इधर का जो लॉक है वो सही से बैठेगा नहीं, तो इस चीज का आप लोगों को क्या करना, पूरा ध्यान देना है कि जो वायर इधर से आ रहा है हमको उधर ही लगाना है। अगर इधर से लगा दिए उसके बाद आप जबरदस्ती कीजिएगा, वायर लीक हो जाएगा या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है ये कि ये आड़ा बैठेगा, टेढ़ा अगर बैठा तो ये टूट भी सकता है, वायर आपका लीक हो सकता है। वायर लीक हो गया, दो वायर अगर लीक हो गया आपस में चिपक गया है और उसके बाद आप लाइन दीजिएगा तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों का पूरा पूरी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये लॉक हटा करके इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रिल है अब हमको इसको हटाना है। ठीक है, अब इस ग्रिल को हटाने के लिए हमको क्या करना है, इसके चारों तरफ में क्या है, स्क्रू लगा हुआ है, तो स्क्रू को खोलेंगे और फिर इसको हम लोग निकालेंगे। आराम से देखिए और आराम से उठाइए। ठीक है, इसको हटा के किनारे रख दीजिए। इसमें देखिए एक चीज और है कि अगर आपको ये खाली फैन मोटर या ब्लोअर को निकालना है तो ये पूरा खोलने की जो हम लोगों ने ग्रिल खोल के बाहर किया वो खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हटा करके और इसके अंदर जो स्क्रू है उसको खोल करके और इसको बाहर निकाल देंगे तो ये आपका फैन क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसके लिए चारों तरफ खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको सर्विस करना है तो इसको खोलना जरूरी है, क्योंकि कॉइल इसी के अंदर होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा नहीं खोल करके ये फैन ब्लोअर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का खोल करके ब्लोअर को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल करके इधर ही से आराम से सर्विस करके सेट कर और फिर उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें आपको ब्लोअर को अगर निकाल करके सेट कीजिएगा तो इसके अंदर जो मोटर है उसमें अच्छे से आपको पैकिंग करना है, प्लास्टिक उलास्टिक का अच्छे से पैकिंग कीजिए ताकि उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, पानी जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है, शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर उठाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपका कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल है। ठीक है, ये पूरा कूलिंग कॉइल है, ये आपका ब्लोअर है, ये कूलिंग, यहाँ देखिए ये इसमें एक समरसेबल मोटर लगाया गया, ये इसका सेंसर है, ये समरसेबल मोटर है। समरसेबल मोटर क्यों लगाया जाता है, अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर ड्रेन के लिए जो है पानी यहाँ से निकल रहा है, ड्रेन के लिए पानी यहाँ से निकल रहा है। अब एक चीज सोचने वाली है, ये जो है ड्रेन के लिए, ठीक है, अब यहाँ से जो पानी निकल रहा है तो आप देखिएगा कि जब हमारा मशीन ऐसे अपोजिट वे में जब हैंग करेंगे हम इसको तो अपोजिट वे में, तो ये जो ड्रेन वाला पाइप है ये कितना हाइट पे जा रहा है आपका, कम से कम 4 से 5 इंच हाइट पे जा रहा है ना यहाँ से। अब ये हाइट पर जा रहा है और पानी जो ये यहाँ से जो स्वीटिंग आएगा वो कहाँ जाएगा, ग्रिल के ऊपर आएगा आपके जी, ये जो ग्रिल है ये ग्रिल के ऊपर में आएगा। ठीक है, अब जब ग्रिल के ऊपर में पानी आएगा
तो यहाँ तक तो चढ़ नहीं सकता एसी का पानी। कभी भी आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि हम लोग को एसी के पानी के लिए पाइप जो होता है वो क्या कर किया जाता है, स्लोप करके लगाया जाता है ताकि पानी आराम से निकले। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि ये 5-6 इंची तो ऑलरेडी ऊपर चला गया है, तब पानी निकलेगा कैसे? समरसेबल मोटर। उसके लिए यहाँ पर समरसेबल मोटर लगाया गया ताकि इसका जो जो भी ड्रेन ट्रे है, जो ड्रेन ट्रे में पानी आएगा उसको खींच करके ये समरसेबल मोटर प्रेशर से बाहर की तरफ फ्लो कर देगा। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग समरसेबल मोटर लगाते हैं। ये जो है इसका सेंसर है, ये देखिए ये सेंसर है, ये जब सीधे की तरफ होगा ना तो ये ऐसा इधर डाउन रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब पानी भरेगा तो ये क्या करेगा, नीचे जा करके टच होएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ में इसका वायरिंग है, समझ गए। अब जैसे ही नीचे की तरफ में टच करेगा ये क्या करेगा, समरसेबल मोटर को सेंसर क्या करेगा, ऑन कर देगा और उसके बाद पानी खाली हो जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा लाइन कट हो जाएगा, समरसेबल मोटर ऑफ हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए इसमें समरसेबल मोटर का यूज किया जाता है पानी को बाहर निकालने के लिए। जो हमारा वेस्ट इस पानी है, जो स्वीटिंग का पानी है, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समरसेबल मोटर का यूज करते हैं। बहुत सारे केस में आपको ये कैसेट एसी में बहुत ज्यादा केस आपको यही मिलेगा कि पानी गिर रहा है, पानी चू रहा है, पानी टपक रहा है। उस केस में आपको चेक करना है जाकर के, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका सेंसर सही है या नहीं। ये इसका सेंसर का वायर है सर। उस साइड में समरसेबल मोटर के पास आइस जम जाता है, आइस जम जाता है पूरा फुल। क्यों? वो डस्ट होता है ना कॉइल में। आइस जमने का बहुत सारा कारण है, ठीक है, आइस जमने का बहुत सारा कारण है। तो हम अभी आपको हम सिर्फ पानी निकालने के लिए बता रहे, फिर आगे बताएंगे। ये देखिए, तो जब आपको पता चलेगा कि समरसेबल मोटर में पानी नहीं दे रहा है या पानी नीचे की तरफ टपक रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके आपका जो ड्रेन ट्रे है वो क्या हो गया, पूरे तरीके से फुल हो गया है, पानी बाहर नहीं निकल रहा है। तो अब उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो खोलना है, जैसे हम लोगों ने खोला है। खोलने के बाद आपको चेक करना है इसका क्या सेंसर सही है या नहीं है। अब सेंसर अगर सही है तो आप फिर आपको इसको मोटर को चेक करना है। मोटर में जो है 220 वोल्ट का या डीसी वोल्ट का है समरसेबल मोटर, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, ज्यादातर 220 वोल्ट का मोटर रहता है। तो अब आपको इसको क्या करना है कि डायरेक्टली लाइन दे करके चेक करना है कि इसमें पानी आ रहा है, पानी फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अंदर एक अंदर पंखी लगा होता है, पंखी को आप साफ करके भी देख सकते हैं, हो सकता है कि कचरा की वजह से अटक गया हो तो घूम नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसको खोल करके उसको साफ करके देख लेना, अगर आपका ये सही है तो ये खराब है और अगर ये सही है तो ये खराब होगा। अब इसमें से जो भी खराब है उसको चेंज कर दीजिएगा, आपका पानी निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब इसमें जो है आइस जमने वाली जो बात आ रही है, आइस जमने का रीजन क्या होता है कि आप सर्विस बहुत टाइम से नहीं किए, ठीक है। आपका जो फिल्टर है वो फिल्टर पूरा कचरे से भर गया, ये जो कॉइल है इसमें पूरा डस्ट आ गया, या फिर आप क्या कर रहे हैं कि जा रहे हैं खाली फिल्टर को निकाल करके साफ कर दे रहे, कॉइल को वैसे ही छोड़ दे रहे, तब क्या होगा कि कॉइल में जो डस्ट है वो तो डस्ट धीरे धीरे जमता चला जाएगा। अब जमता चला जाएगा तो होता क्या है, ये हर एसी का ही नियम है कि ये अगर एयर नहीं लेगा सही से तो एयर फ्लो नहीं करेगा सही से, और जब एयर सही से फ्लो नहीं करेगा और एयर सही से लेगा नहीं तो इसमें आइस जमेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गैस चल रहा है उसको गर्म करने के लिए इसमें हवा खींच रहा है और वही हवा ठंडा करके बाहर आ रहा है, और जब इसके अंदर हवा पास ही नहीं होगा तो गैस क्या होगा, गर्म नहीं होगा। और जब गैस गर्म नहीं होगा तो धीरे 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 इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन होता चला जाएगा और सीधा ये चला जाएगा 0 डिग्री में, वहां पर जाकर के आइस जमा देगा। समझ गए? या फैन मोटर आपका नहीं, ब्लोअर नहीं चल रहा है, फैन मोटर खराब हो गया है, तो उसमें भी आपको आइस जमा देगा क्योंकि एयर तो खींच नहीं रहा, गैस जो है गर्म हो नहीं रहा, तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे लो हो जाएगा, डाउन होता चला जाएगा और बाद में आइस जमा देगा। बीमा भी चलेगा तो भी आइस जमा देगा, नहीं चलेगा तो भी आइस जमा देगा, ठीक है। इसमें कचरा रहेगा पूरा तो भी आइस जमा देगा। उसके बाद जो इसका कॉइल का सेंसर है वो भी अगर खराब हुआ तो आइस जमा देगा। समझ गए? आइस जमाने का बहुत सारा कारण है।
समझ में आ गया सर। इसको कैसे खोलते हैं ये समझ में आ गया सर। ठीक है, ये समरसेबल मोटर का क्या काम है समझ में आ गया। इसके अंदर देखिए एक सेंसर लगा होता है, ये सेंसर समरसेबल मोटर का है और ये समरसेबल मोटर का दो लाइन गियर है, न्यूट्रल और फेस। ये वायर आपका चला गया है यहाँ से मोटर के अंदर। ठीक है, हम मोटर खोलने के लिए इसको खोलिएगा, ये ब्लोअर बाहर निकल जाएगा, उसके बाद मोटर आपका आराम से खुल जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया है जी सर। कोई इशू इसमें, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए फिर इसको पैक करते हैं। एक मिनट सर, यदि पूरा ये जब खोलोगे, ये जब खोल दोगे तो ये ब्लोअर बाहर आ जाएगा। ब्लोअर जब बाहर आ जाएगा तो ऐसे ही नट फिर चारों कॉर्नर में आपको दिखेगा मोटर के पास। देख लिया जाएगा। तो मोटर खोलने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर एक नट है, बोल्ट है। ठीक है, तो अब नट बोल्ट जो है इसका 12-13 का नट बोल्ट लगाइएगा और ये आराम से क्या होगा, खुल जाएगा। अब खुलने के बाद कुछ इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये एक वाइसर होता है, इसके अंदर इसको अटकाने के लिए लगाया हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे ही वाइसर को निकालिएगा ये इजी आपका ब्लोअर बाहर आ गया, ये आपका मोटर आ गया। अगर मोटर को चेंज करना है तो यहाँ देखिए तीनों स्क्रू है, इसको जैसे ही खोलिएगा ये मोटर बाहर आ जाएगा, ये पैनल खोलिएगा तो ये वायर बाहर आ जाएगा। मोटर क्या करना है आपको, आराम से बाहर निकाल लेना है चेंज करके, फिर वैसे ही टाइट कर देना है सेम तरीके। सर्विस करने के लिए इसको कवर करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, कवर कर लिया आपको। ठीक है, पानी चल जाएगा और फिर इसको वैसे ही आराम से लगा देना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि मोटर आप लोगों को खोलिएगा जब भी, तो ध्यान रखना है कि एक हाथ से पकड़ करके और दूसरे हाथ से खोलना है, नहीं तो ये नीचे की तरफ गिरेगा और जब गिरेगा तो आपके हाथ में चोट लग सकता है, सर में चोट लग सकता है, कहीं भी चोट लग सकता है। तो सेफ्टी पर्पस का पूरा ध्यान रखना है, कहीं पर भी सेफ्टी से चूकना नहीं है। समझ गए? एक चीज और देखिए, पानी जो है आपका ये इसी में रुकेगा। ठीक है, पानी भर गया, अब इसको खोलना है तो पहले पानी को क्या करना है, हमको निकालना होगा। पानी को निकालने के लिए इसमें देखिए क्या है, माउंटिंग रबर है। ये रबर को जैसे ही हटाइएगा यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और जब पानी भर जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद गिर जाए, उसके बाद इसको आराम से लगा करके उसके बाद आपको क्या करना है, कैबिनेट को ओपन करना है। पता चला कि पानी नहीं निकाले हैं और कैबिनेट ओपन कर दिए तो आप नहा लीजिएगा। तो सर अंदर रहेगा, कैबिनेट जैसे ही खुलिएगा ना इसका कवर, ये कवर खुलिएगा, देखिए वहाँ कॉर्नर वाला गोल वाला लिखा लगा हुआ है नीचे नीचे, हाँ आपको दिख जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर बैठ गया? नहीं नहीं, बैठ गया। पहले इसको टाइट करो, स्क्रू लेकर लिए जी कर दिए, तो दीजिए स्क्रू लाइए नहीं दीजिए। अब कौन कौन था स्क्रू दे स्क्रू बिना उंगली के सुकून में ऐसा जी किसी को बोला गैप वन उसने में कोई सेंसर बताना है। एक ही सेंसर है, सेंसर है, चलिए चार सेंसर है, तीन सेंसर, तीन नहीं एक दो एक यहाँ बोले तीन एक ड्रेन चार ठीक धार ये धार वहाँ जाएगा। उसको चला गया चलिए स्क्रू 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 टाइप कीजिए पकड़िए ठीक तो ऐसा क्या सीन लाइट बंद बड़ा वाला चल गया लाइट कट गया थी उसका
गंदे भाग लगे इधर कस देता है स्क्रू लीजिए बड़ा वाला होगा लंबा वाला ये है ना डायलॉग डायलॉग बेल्ट बोलिए लॉक बोलिए नहीं लगेगा कौन सा दे भाई सब अलग अलग है